Hello, my dear friends. Today we are going to receive treasures from the Lord. Hello, मेरे अनमोल मित्रों, आज परमेश्वर से हम ऊंचा धन प्राप्त करने वाले हैं. Let's read Isaiah 45:3. आइए हम इशाया 45:3 को पढ़ लेते हैं. I will give you the treasures of darkness and hidden riches of secret places. मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा. Today is a very important day in Jesus calls. आज यीशु बुलाता है, सेवकाई में बड़ा महत्वपूर्ण दिन है. Today was the inception of the business blessing plan. आज हमने व्यापार आशीष योजना की शुरुआत किया था. Every time you enroll yourself in this plan or any other plan in Jesus calls, each prayer warrior prays for you. जितने बार इस योजना में या यीशु बुलाता है कि कोई भी योजना में आप पंजीयन कराते हैं, हमारे हर एक प्रार्थना योद्धा आपके लिए प्रार्थना करते हैं. Every day they tell your name and they pray for each of you for your business to be a success. हर रोज आपका नाम लेकर प्रार्थना भवन में प्रार्थना करते हैं कि आपके व्यवसाय सफल हो जाए. And we also as a family we pray for the members of the people who are enrolled in different plans. और हर एक योजना में जो लोग पंजीयन कराए हैं, हम एक परिवार के रूप में उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं. Every time we go for prayer festivals we hear lots of testimonies. जितना बार हम प्रार्थना महोत्सव में शामिल होते हैं, कई गवाहियां हम सुनते हैं. And they tell how they their business was in a loss but when they enrolled themselves in this business blessing plan, when people prayed for their name, their business turned into a success. कई लोग कहते हैं, हमारा व्यवसाय बहुत नुकसान में चल रहा था, लेकिन जब प्रार्थना योद्धा हमारे व्यवसाय के लिए प्रार्थना किए, हमारे व्यवसाय बहुत ही सफल बन गया. Yes, Jesus does wonders in our lives. जी हाँ, यीशु हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म को करते हैं. The Lord says that He will give you treasures in the form of wisdom. परमेश्वर कहते हैं, वो आपको बुद्धि के रूप में दौलत देंगे. Yes, the wisdom that you need to run your business. जी हाँ, आपके व्यवसाय को चलाने के लिए जो बुद्धि की आपको जरूरत है. Even the people who you need to talk to and whom you don't need in your business, the Lord will teach you. परमेश्वर आपको सिखाएंगे किन लोगों से आपको बातें करनी है, किन लोगों से आपको व्यवसाय के खातिर बातें नहीं करनी है. And the Lord will give you riches in the form of wealth. और आपको परमेश्वर धन के रूप में बहुत दौलत देने वाले हैं. The wealth and the money that you need to run your business. आपके व्यवसाय को चलाने के लिए जो धन और दौलत की जरूरत है, परमेश्वर आपको मुहैया कराएंगे. Yes, my dear friends, the Lord will take care of your entire business. जी मेरे अनमोल मित्रों, परमेश्वर आपके पूरे व्यापार का ख्याल रखेंगे. We read in Colossians 2:3. जी हाँ, कोलोसियों 2:3 में पढ़ लेते हैं. In whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपी हुई है. Yes, these treasures are hidden in the Lord. जी हाँ, ये बुद्धि परमेश्वर में छिपी हुई है. It is our faith to receive it from Him. जी हाँ, हमारे पास विश्वास है कि इस बुद्धि को हम उनसे पा लें. Let's pray together. आइए साथ मिलकर हम प्रार्थना करें. Lord Jesus, today I pray for your hand to come over each person who is having a business. प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जिस व्यक्ति को अपना जिस व्यक्ति आपका व्यवसाय कर रहे हैं, उनके ऊपर आपका हाथ उतर रहा है. They might be stuck saying that their business is not even succeeding. शायद वो एक जगह में अटक गए हैं, कह रहे हैं मेरा व्यवसाय बिल्कुल सफल नहीं हो रहा है. They might feel whatever step I take is going into waste. शायद वो कह रहे हैं, जो भी कदम मैं उठाता हूँ, सारा कदम बिल्कुल नुकसान पहुँचा रहा है. Lord, but today I pray for your blessing to come over their business. प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपकी आशीष उनके व्यवसाय पे उतर रहा है. Lord, let the dead things revive again. उनके जीवन, उनके व्यवसाय की सारी मृत बातें जो है पुनरुत्थित हो जाए. Lord, let their business become successful. उनके व्यवसाय बहुत सफल बन जाए. Let there be no more debts. कोई कर्ज ना रहे. Lord, let people not make fun of them anymore. लोग उनके ऊपर मजाक ना उड़ाए. Let them know that they belong to you. वो जान ले कि वो आप उनके हैं. Lord, bless each one of them. आप उन सभी को आशीष दें. Lord, I also pray for the business blessing plan in Jesus' call. यीशु बुलाता है कि व्यवसाय आशीष योजना के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ. Lord, let hundreds of people be blessed through this. प्रभु, सैकड़ों लोग इसके माध्यम से आशीष को पा ले. Lord, continue to give them the wisdom and the funds that they need. जो ज्ञान और जो पैसा का जरूरत है, सारा बातों का मुहैया आप कराएं. In Jesus name I pray. Amen. यीशु के नाम से प्रार्थना मांगती हूँ. आमेन. So my dear friends, the Lord is going to bless your business today. मेरे अनमोल मित्रों, परमेश्वर आज आपके व्यवसाय को आशीष देने वाले हैं.